Welcome to Jacinta Alexander Vlog. Hello, 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 hello. Welcome back to our channel, guys. कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे. तो सभी हिंदू भाइयों को मेरा तहे दिल से राम राम. तो दोस्तों, मेरे चेहरे पे काफ़ी खुशी देख रहे होंगे. उस खुशी का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ. आज सुबह सुबह मैं ग्रोसरी आइटम की शॉपिंग ले जा रहा था. घर से जैसे निकला तो मेरा एक फेवरेट डॉग है जो हमारी सोसाइटी के बाहर ही रहता है, तो वो मेरे को देख के बेचारा उछल कूद करने लग गया. सोचा खाना लेकर आया होगा, लेकिन मैं तो जा रहा था अपना आइटम लेने के लिए ग्रोसरी का. तो मैं सोसाइटी से बाहर निकला, बेचारा इतनी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है. तो मैंने कहा भाई आता हूँ, कोई बात नहीं. लेकिन जब मैं सामान लेकर आया, उसके लिए मैं कुछ ना ट्रीट वगैरह लेकर आया था, तो जब वापस आया तो भाई दिखा नहीं. मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शायद घर वापस आ ही जाएगा अपने आप से. तो मैं घर में आया हूँ, गेट खोला है बाहर का मेन डोर का, भाई आ गया दौड़ते दौड़ते. पूछ लो और ऐसे ही कूद रहा जैसे जैसे कोई बच्चा नहीं होता, जैसे किसी के पापा खो चुके होते, बिल्कुल वैसे प्यार से. अरे मैं चलते हुए खाना खिलाता हूँ. फिर मैंने उसको खाना खिलाया. हाय, सच में ऐसा लगता है जैसे किसी कोई अपने बच्चे को जैसे खाना खिला रहा था ना, तो सुकून मिलता है उसको खाना खिला के. जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो देख के मज़ा ही आ जाता है. तो भाई डॉग का खाना तो हो चुका है, व्हाट अबाउट अस? तो हाँ, मेरी बीवी मेरे को मेरे बच्चे की तरह ट्रीट करती है. तो उसने भी मेरे लिए बनाया मेरा फेवरेट खाना, साबुदाने की खिचड़ी, जो कि मेरे लिए एवर टाइम फेवरेट है. गाइस, आप मेरे को रात को उठा के बोलो भाई साबुदाना खाएगा, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल खाऊंगा. भाई मज़ा आता है. तो भाइयों, ये बिल्कुल घर के गेट पर आके अंदर हमारे एंटर कर गया. इसको पता है अंदर जसिंटा खाना लेने गई हैं, तो ये बाहर बिल्कुल तसल्ली बख्श बिल्कुल वेट कर रहे हैं आराम से. और वहीं एक दूसरा डॉगी है जो घर से बाहर वेट कर रहा है कि ये कब जाएगा. वो देखो, ये हमारा दूसरा डॉग बाहर वेट कर रहा है, ये जाए तो वो आए. ये देखिए, देख लो कैसे ज़मीन पे, क्योंकि अभी फर्श धुला था, तो ये महाराज आराम से बैठ गए हैं कि भाई ठंडा फर्श हो रहा है तो हम ज़मीन पर बैठ के ठंडी का लुत्फ उठाए, क्योंकि बेचारे को पूरे दिन तो बाहर गर्मी में ही रहना होगा. वाह रे भाई, इसने तो अपना ही घर समझ लिया अब. हाँ जी, आओ भूखी 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 लगी है बाबू को. देखिए अब इनका खाना आ गया, इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, आप भी बस अपने खाने पे फोकस करेंगे. हाँ भाई खाओ खाओ, अब तुम हमें कहाँ जानते हो. तो दिल्ली का मोस्ट हैंडसम लड़का आपके लिए क्या लेकर आ गया सुबह सुबह नाश्ते में दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए. टेन टेन, ये है साबुदाने की खिचड़ी. देखते ही कितनी डिलीशियस लग रही है ना गाइस, मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल यमी. तो ऐसे प्रॉमिस, कल रात को हमने फ्राइड राइस बनाया था, लेकिन उसकी मैं चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था उसका क्या रिव्यू रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, उसका एंड करना जरूरी था, क्योंकि पोस्ट तो टाइम पर मुझे करना ही था. तो इसलिए मैंने आज के लिए वो आपके लिए बना के बचा के रखा हुआ, और आज मैं आपके साथ थोड़ी देर में वो शेयर करने वाला उसका रिव्यू कैसा था. तो वीडियो में बने रहें, चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना गाइज. जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी. गाइज आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री होता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिना हिचकिचाए, ठीक है? अपने भाई को प्लीज सपोर्ट करिए. तो मैं खाना शुरू कर रहा हूं अपने साबुत खाने की खिचड़ी, तो आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद. तो भैया, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस, और आप इसकी मेकिंग देख रहे हैं, तो देखिए क्या धमाकेदार लग रहा है. जब ये अभी हाफ कुक्ड है तो ऐसा लग रहा है, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ जब ये बन के आने वाला है ना, तो ये बिखेरने वाला है, जलवे क्या जलवे. तो दोस्तों, फाइनली हमारे जो फ्राइड राइस हैं वो रेडी हो गए हैं, और हम उसको खाने को तैयार हैं. देखने से देख रहे हो चावल क्या खिल खिल के आए, और सब्जियां कितने प्रकार की डली हुई हैं. ये लग भी नहीं रहा कि ये फ्राइड राइस है, ऐसा लगा कि चाउमीन वगैरह होती है ना, बस वो देखने से पता लग रहा है कि राइस है, तो राइस इसलिए पता लग रहा है. अब हम करते हैं इसका टेस्ट. तो हमने स्पून में अपना चावल भर लिया, अब करते हैं इसको टेस्ट. लग ही नहीं रहा मैं घर पे खा रहा हूँ, अगर रेस्टोरेंट में बैठे खा रहे हैं. आनंदम आनंदम आनंदम, बस यही वर्ड मुंह से निकला था. गाइस ये है मेरा रिव्यू कि भाई होममेड चावल वैसे भी किसी चीज़ की बराबरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि हेल्दी हम बना रहे हैं, कोई गंदे गंदे केमिकल नहीं डाल रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल हमने अच्छा यूज़ किया है,
आप देख सकते हैं टेस्टी तो बनाई है। तो भाई घर का खाना जिंदाबाद। तो गाइस एंड गर्ल्स, तुम्हारा भाई नहा धो के आ गए। आज थोड़ा नहाने में डिले हो गया था क्योंकि घर में काफी सारा काम था डस्टिंग वगैरह का, तो मैं सोचा आज कर लेते हैं लगे हाथ। वैसे यूजुअली ये काम संडे को होते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हमने आज मंडे को करना इसलिए कि क्यों मेरे को सोचा कि अभी जब नज़रों में आ गए तो कर लेते हैं, उसके बाद पता क्या होता है काम डिले करते तो काम टल ही जाता है। तो जस्ट अभी नहा कर आया, धूप बत्ती भी कर ली, आप देख सकते हो मेरे पीछे टीवी पे प्रेयर भी अभी चल रही है, क्योंकि मेरा मानना है भाई दिन हो दोपहर हो शाम हो रात हो, प्रेयर तो जब मर्जी कर सकता है, भगवान के नाम लेने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, तो दोपहर हो शाम हो सुबह हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जसिंटा द ग्रेट मेरी वाइफ लेकर आ गई है मेरे लिए खाना, और खाने बनाए हैं व्हाइट छोले और चावल, जो कि मेरे फेवरेट है। अब तुम लोग सोच रहे होगे तेरा तो भाई सब कुछ ही फेवरेट है, तो भाई मेरा सब कुछ फेवरेट नहीं होता, देखो मैं हूँ फूडी। तो खाना, हाँ मेरी कुछ चॉइसेस होती है कि भाई ये नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन जब से मेरी शादी हुई मेरी वाइफ मेरे को ऐसा टेस्टी खाना खिला रही है कि जो मुझे पसंद नहीं भी था वो भी पसंद आने लग गया। तो हैव अ लुक क्या बनाया उन्होंने। तो अब आप देखने से समझ सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई मुझे सब कुछ ही पसंद आता है। ये देखो सब्जी छोले की, ये धनिया की जो गार्निशिंग कर रखी है, और वाओ। तो मैं जानता हूँ तुम्हारे लोग के सभी के मुंह में पानी आ गया होगा देख के, क्योंकि तुमको तो ये नहीं मिल सकता ना, वर्चुअली कैसे खिलाऊं, मिलो कभी आके तब खिलाऊंगा ना भाई, ठीक है। तो मैं तो अब खा रहा हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे वापस से खाना खा कर, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी, जितनी हम बातें करें ना उसके लिए भाई एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए खाना खाता हूँ वापस आता हूँ, ठीक है। बने रहना वीडियो पर, जाना कहीं पर नहीं, लाइक कर दो इतने में, ठीक है, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब करो गाइस। महंगे कपड़े पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा तब होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो भाइयों शाम के बज रहे हैं 5 और हमने कर ली अपनी शॉर्ट्स की शूटिंग कंप्लीट। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतने अंधेरे में क्यों अपना वीलॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस बता दूं जसिंटा अपने अभी शॉर्ट्स की कंप्लीट कर रही है शूटिंग, क्योंकि उनका अब अलग से चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ उनका सेटअप। ये देखो ये अपनी रिंग लाइट्स लगी हुई हैं और जसिंटा अपना शूटिंग में बिजी है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं तो भाई मुझे भी काम पे बुला लेगी कोई अपने। तो मैंने सुबह से डॉग का खाना ज़रा बाहर रखा होता है, जरा देख लेता हूँ भाई कोई खा के गया भी है कि नहीं। अब मैं करता हूँ ना, डॉग का वेट नहीं करता हूँ, मैं खाना बाहर छोड़ देता होता हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है ऐसा कुछ है ना, इसमें बायसनेस होने नहीं चाहिए कि भाई अपने फेवरेट डॉग को ही खिलाओ, जो खाना बाहर रख दो जिसके बेचारी किस्मत का होगा, जिसको भूख लगी होगी वो आके खा लेगा ना। तो देखते हैं भाई खाने खाया तो। हाँ दोस्तों ये डब्बा हमारा खाली है, इसका मतलब है कोई डॉग खाना खा के चला गया था, तो डब्बा हम उठा लेते हैं अंदर के ले चलते हैं, ताकि कल भी तो इसी डब्बे में फीड करना है। तो मैंने सुबह से दूध और ब्रेड है ना पता है बाहर खाने के लिए रखा हुआ था, और थोड़ा थोड़ा इंटरवल में आके चेक कर रहा था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा था, लगता कोई खाने नहीं आता। लेकिन मेरे को ये बात बड़ी अजीब लगी, वही मैंने 2-3 दिन पहले मटन का कीमा और रोटी डाली थी, तो वो भाई थोड़ी देर में गायब हो जाता था। तो आप समझ रहे हो कि मेरे ख्याल से कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो कि आगे स्मेल करते हैं, लेकिन देखते अच्छा दूध है तो रहन देते हैं, मटन है तो खा लेते हैं। तो इनकी भी अपनी अपनी चॉइसेस होती है कि भाई खाने को मिल क्या आ रहा है। तो ये बात आप भूल लो कि बच्चों के ही शौक होते हैं, डॉग्स के भी शौक बहुत होते हैं, समझे। तो मैं ये अपने घर के बाहर पैसेज में आ गया हूँ, और ये देखिए एक बहुत ही प्यारी बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, मुझे बस देखे जा रही है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रही कि भाई चाहती क्या है, चलो छोड़ देते नहीं तो बेचारी डर जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने घर के बाहर पैसेज में आ गया हूँ, जो कि हमारे बाहर का पैसेज है वॉक करने के लिए, ये हमारा प्राइवेट पैसेज है, तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर वॉक करने के लिए, किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि गर्मी जब से बढ़ी है तब से मैंने यहाँ पे आके वॉक करना ही बंद कर दिया था, घर में बस एसी ऑन करके अंदर बैठ रहा, बस वही ठीक रहता है, बाहर आके तो बस ऐसा लगता है भाई कहाँ ही आ गए हैं, बिल्कुल मतलब दुबई, अगर आप दुबई गए तो आपको बताओगे दुबई में कितनी गर्मी है, बिल्कुल वही वाला हिसाब है। तो आइए मैं दिखाता हूँ पैसेज है कैसा, वैसे आपको मेरे बैग में दिख रहा होगा, आप ये देख पा रहे होंगे, ये मेरा प्राइवेट हमारे घर के साथ का एक पैसेज है, इसमें गेट भी लगवा रखा है ताकि केवल हमारी घर की ही एंट्री हो यहाँ पे, और ये पूरा ऑल द वे यहाँ से ये पूरा लंबा तक जाता है, और ये जस्ट साथ में मेरे घर के पार्क भी है, बच्चे इस समय खेल भी रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे दिख रहा है। भैया आ तो गया हूँ, लेकिन गर्मी पता है इतनी लग रही है, अभी मैं दोपहर को ही नहाया था, लेकिन इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ ना, मतलब ये वॉक ना फ़ायदेमंद ना होकर ना नुकसानदेह मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली गर्मी है बाहर, मतलब ह्यूमिड होता है ना, ह्यूमिड भपका सा उठ रहा है ज़मीन से, ऐसे गर्मी उठ रही है ना, अंदर ही चलते हैं भाई, ये ठीक नहीं है भाई, बीमार पड़ जाओ उसको कोई फ़ायदा नहीं घर। तो भाई साहब इस समय हमारे घर का ये माहौल चल रहा है, देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन में बिजी हूँ अपना वीडियो बनाने में, और मेरी वाइफ अपने फ़ोन में बिजी अपना वीडियो बनाने में,
ये पहले मुझे टोका करती थी, तुमको घर बार का ध्यान कुछ नहीं रह गया, तुम अपने वीडियो में ही बिजी रहते हो, तुम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो कि अपने काम से मतलब है। मैंने कहा अच्छा, ये मैं हमेशा तभी ये बात बोलता था, तुम जब खुद फंसोगे ना इन चीज़ों में, जब खुद करोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा। और नाउ यू कैन सी, ये खुद इतनी बिजी हो गई बेचारी, लेकिन हाँ यार हैट्स ऑफ है, ये किचन भी संभालती है, मुझे भी संभाल रही है, पूरा घर संभाल रही है, और अब अपना नया चैनल भी। अभी तक गाइस आपने जसिंटा के वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं कह रहा हूँ आपको प्लीज़ उनके वीडियोज़ देख लीजिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनके चैनल के वीडियोज़ देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना रही है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी, ठीक है, जिसमें कुकिंग लाइफ से लेते नॉलेज के भी कई वीडियोज़ हैं। और गाइस वो अपने खुद के शॉर्ट्स भी बना रही हैं जिसमें वो खुद फीचर करें, ना कि मैं उसमें होऊंगा। तो कपल शॉर्ट्स के लिए आप हमारे इसी चैनल पर बने रहें, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल उनके शॉर्ट्स देखने हैं जिसमें जसिंटा के ही स्पेक्टेकुलर वीडियोज़ होंगे, तो उसके लिए आप जसिंटा के चैनल पर जाइए जिसका नाम है जसिंटा अलेक्जेंडर की दुनिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके पास नए नए वीडियोज़ रोज़ लेके आते रहें। गाइस तो आज का वीडियो करते हैं हम अंत यहीं पर, जल्दी मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जय श्री राम।